Assalamualaikum, welcome to my channel. आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 5 का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे. इस चैप्टर पर हम ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुके हैं. आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे. हम लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग तक इसको कवर कर चुके हैं. आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग टू स्पेल का. लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखने हैं हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स के. ज्वाइन द सिलेबल्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स, हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको टू सिलेबल्स में डिवाइड किया गया है. हमने उन टू सिलेबल्स को ज्वाइन करना है. राइट दीज इन द गिवन बॉक्स और फिर हमने उन वर्ड्स को इधर इस बॉक्स में लिखना है. रीड मी पढ़ते हैं. द वर्ड साइक्लिस्ट हैज़ टू सिलेबल्स, हमारे पास जो वर्ड साइक्लिस्ट है उसमें दो सिलेबल्स हैं, टू सिलेबल्स हैं. आए अब इनको देखते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रै, इसको हम ज्वाइन करेंगे फिक के साथ. ट्रैफिक, ट्रैफिक किसको कहते हैं, ट्रैफिक को कहते हैं. ये हमारे पास हमने वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है. फॉल लो, फॉलो किसको कहते हैं, फॉलो कहते हैं पैरवी करने को. यहाँ पर आप वर्ड लिख लें है वी, हैवी कहते हैं भारी को. यहाँ पर आप वर्ड लिख लें चिल्ड रन, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को. आप वर्ड यहाँ पर लिख लें केयर फुल, एहतियात, वर्ड आप यहाँ पर लिख लें. ये हमारे पास ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है. हमने कॉलम्स को मिला लिया है और उसके बाद हमने उन वर्ड्स को इधर बॉक्स में लिख लिया है. आपने उन वर्ड्स को स्पेलिंग्स के साथ याद करना है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रामर का. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस, नाउन हमारे पास क्या है. नाउन हमारे पास एक नेमिंग वर्ड है, नेम ऑफ अ प्लेस पर्सन और थिंग. अब नाउन की हमारे पास काफ़ी सारी काइंड्स आती हैं जिसमें हमारे पास एक काइंड है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस का. काउंटेबल नाउंस ऐसे नाउंस को कहते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जब वो चीज़ हमारे सामने हो तो हम उसको गिन सकें. अनकाउंटेबल नाउंस ऐसे नाउंस होते हैं जो कि जिनको हम गिन नहीं सकते. रीड मी पढ़ते हैं. सम ऑफ द थिंग्स कैन बी काउंटेड, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. एंड सम कैन नॉट, और कुछ ऐसी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यू कैन काउंट अ ग्लास बट कैन नॉट काउंट वाटर. मिसाल के तौर पर आपके सामने कुछ ग्लासेस रखे गए हैं, आप उन ग्लासेस को तो गिन सकते हैं लेकिन अगर उन ग्लासेस में पानी हो तो आप उन पानी को नहीं गिन सकते. राइट सी इन द बॉक्स इफ इट इज काउंटेबल एंड यू इफ इट इज अनकाउंटेबल. अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ बॉक्स दिया हुआ है. अब हमने बॉक्स में सी लिखना है अगर वो काउंटेबल हैं, और हमने यू लिखना है अगर वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास कैरेट्स की. कैरेट्स को हम काउंट कर सकते हैं तो इसमें हम सी लिखेंगे, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है. सेकंड पिक्चर है हमारे पास राइस की, ये हमारे पास अनकाउंटेबल है, आप इनको गिन नहीं सकते, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास पोटैटो, पोटैटो को हम काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेड्स, थ्रेड्स हमारे पास काउंटेबल नाउन है. ये है हमारे पास सूप, सूप हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है. ग्रेप्स, ग्रेप्स हमारे पास काउंटेबल नाउन है. ये हमारे पास वाटर है, ये अनकाउंटेबल नाउन है. टीचिंग पॉइंट देखते हैं. इनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों की हौसला अफजाई करें. टू गिव एग्जांपल्स, कि वो मिसालें दें. फ्रॉम देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, के वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मिसालें दें. अबाउट डिफरेंट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में. बच्चों को ये एक्टिविटी दे ताकि वो अपने नोटबुक्स पर इसको मेंशन कर सकें. नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ वर्ब कैन कैन नॉट. जिस तरह हमारे पास नाउन की बहुत सारी काइंड्स है उस तरह हमारे पास वर्ब्स की भी बहुत सारी काइंड्स हैं. ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन नॉट. आए इसको देखते हैं. रीड मी द वर्ब कैन इज यूज फॉर एबिलिटी. कैन का जो वर्ब है और ये जो वर्ड है ये हमारे पास एबिलिटी सलाहियत के लिए यूज होता है जब हम कोई काम कर सकते हैं. एंड कैन नॉट फॉर इनएबिलिटी. और कैन नॉट हम तब यूज करते हैं जब हम एक काम नहीं कर सकते, इनएबिलिटी, जब हमें वो करने की सलाहियत ना हो. वन बॉय कैन स्विम, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा जो है वो स्विमिंग कर सकता है. ही कैन स्विम,
एंड वन बॉय कैन नॉट स्विम, और जो दूसरा लड़का है ऊपर वाला वो स्विमिंग नहीं कर सकता, ही कैन नॉट स्विम। यहाँ पर देखें हमने कैन यूज किया है क्योंकि वो कर सकता है, यहाँ पर हमने कैन नॉट यूज किया है क्योंकि वो नहीं कर सकता। रीड मी यहाँ पर दूसरा देखते हैं, कैन नॉट इज द रिटन फॉर्म एंड फॉर स्पीच, सॉरी कैन नॉट इज द रिटन फॉर्म एंड फॉर स्पीच इट्स कॉन्ट्रेक्शन इज, ये मिस प्रिंट है आई थिंक, एंड इट्स कॉन्ट्रेक्शन इज कांट। कैन नॉट उसका रिटन फॉर्म है और स्पीच के लिए हम जब कॉन्ट्रेक्शन में इसको यूज करते हैं तो कांट। कैन नॉट का कॉन्ट्रेक्शन क्या है, सी ए एन अपोस्ट्रोफी टी, कांट। कॉन्ट्रेक्शन हमने पढ़े हैं ना, हमने इस चैप्टर में भी पढ़े हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं और हमने फोर्थ चैप्टर में भी पढ़े हैं। जब हम किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करके उसको जब हम छोटा करके लिखते हैं और जब वो हमारे पास वीक साउंड होती हैं, ठीक है। राइट, थ्री थिंग्स दैट यू कैन डू एंड थ्री थिंग्स यू कैन नॉट। अब आपने तीन चीज़ें ऐसी लिखनी है जो कि आप कर सकते हैं और तीन चीज़ें आपने ऐसी लिखनी है जो कि आप नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे कि जो सेंटेंसेस हम लिखेंगे उसमें कैन और कैन नॉट का यूज आएगा। आइए इसको लिखते हैं। पहले हम कैन के सेंटेंसेस लिख लेते हैं। आई कैन राइट अ लेटर, मैं खत लिख सकती हूँ। आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। आई कैन रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ। ये हमारे पास थ्री सेंटेंसेस हो गए हैं कैन के। अब हम कैन नॉट के सेंटेंसेस लिखेंगे। आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकती। आई कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, मैं दरख्त नहीं चढ़ सकती। आई कैन नॉट स्विम, मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। ठीक है, हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैन कैन नॉट, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम चॉइस ऑफ वर्ब्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो बातें हैं, एक तो हमने कैन और कैन नॉट को यूज करना है, पिक्चर्स को देखना है, और नीचे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें हमने कैन और कैन नॉट का यूज करना है। साथ में यू मे टेक हेल्प फ्रॉम चॉइस ऑफ वर्ब्स, हमारे पास यहाँ पर साइड पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, हमने इन वर्ब्स को भी यूज करना है। अब हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक हैंडीकैप की पिक्चर है, तो हम लिखेंगे दैट ही कैन नॉट प्ले लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्ले का वर्ड है यहाँ पर। ही कैन नॉट प्ले, वो खेल नहीं सकता क्योंकि वो जख्मी है। नेक्स्ट है इट, इट कैन होप, होप कहते हैं छलांग लगाने को। हमारे पास फ्रॉग है जो कि छलांग लगा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास एक बॉय की जो कि राइटिंग कर रहा है, ही कैन राइट। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चा जो है वो स्विमिंग नहीं कर पा रहा, ही कैन नॉट स्विम। दे, अब देखें ही जो है वो हमारे पास एक सिंगल बॉय के लिए यूज होता है, मेल पर्सन के लिए। अब जब हमारे पास दे आया है तो दे हमारे पास ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, तो अब हमने ग्रुप में देखना है पिक्चर्स में कि हमारे पास ऐसी पिक्चर कौन सी है जिसमें लोग ज्यादा हों। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे 3 पर्सन हैं, तो इसके लिए हम दे यूज करेंगे। दे वो गा रहे हैं, दे कैन सिंग। नेक्स्ट है हमारे पास शी, शी अब गर्ल के लिए यूज होता है, तो हमारे पास पिक्चर में ये गर्ल है, शी कैन प्ले। ही, अब ये हमारे पास मेल पर्सन है, ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं पा रहा, उनके हाथ में डंडा है। दे भी आप देखें कि यहाँ पर ये ज्यादा है तो हम उसके लिए दे यूज करेंगे। दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें।
राइट अप्रोप्रिएट मैसेजेस अंडर द साइंस गिवन बिलो. नीचे हमारे पास कुछ साइंस दिए हुए हैं, उसमें हमने अप्रोप्रिएट मैसेजेस जो उनके साथ रिलेट कर रहे हैं हमने वो लिखने हैं. यहाँ पर हमारे पास मैसेजेस दिए हुए हैं, आए अब इसको देखते हैं. नो हॉर्न क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स, यहाँ पर है नो हॉर्न सीटी नहीं बजानी. क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे पास सड़क पार करने की जगह है. नो पार्किंग, नो लेफ्ट टर्न, बाएं नहीं मुड़ना, स्पीड लिमिट और स्पीड लिमिट बताई हुई है. नो हॉर्न आप देखें, नो हॉर्न ये हमारे पास हॉर्न का साइन है और साथ में उसके ऊपर क्रॉस का निशान है, तो यहाँ पर हम नो हॉर्न लिखेंगे. यहाँ पर आप देखें क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स, यहाँ पर आप देखें ये साइन मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है. इसमें आप देखें दो सीनियर सिटीजन हैं जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं. क्रॉसिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स, नो पार्किंग, पी का निशान है, नो पार्किंग. नेक्स्ट है नो लेफ्ट टर्न, ये देखिए लेफ्ट का साइन है. लास्ट है हमारे पास स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट 40 दी हुई है कि इससे ज्यादा आपने स्पीड नहीं रखनी. ये हमारे पास कंप्लीट होता है. हमने ये सारे मैसेजेस जो हैं तो हमने इन ब्लैंक्स में लिख लिए हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग का. लुक एट थ्री पिक्चर्स, नीचे हमारे पास थ्री पिक्चर्स दी हुई है, उनकी तरफ देखें. राइट द ट्रैफिक रूल्स दैट अप्लाई टू देम, और वो ट्रैफिक रूल्स उनके सामने लिखें जो कि उन पर लागू होते हैं. अप्लाई लागू होना. यहाँ पर आप देखें हमारे पास ट्रैफिक साइंस हैं, ओबे ट्रैफिक रूल्स लिखा हुआ है और साथ में रेड लाइट जल रही है. ठीक है, यहाँ पर आप देखें रेड लाइट ऑन है और जो गाड़ी है वो आगे जा रही है. रेड लाइट पर गाड़ी को चाहिए कि वो रुक जाए, वो आगे ना जाए. ठीक है, तो हम लिखेंगे डू नॉट क्रॉस द रेड लाइट, रेड लाइट को क्रॉस ना करें. नेक्स्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ओबे ट्रैफिक रूल्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे डू नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक के कानून बनाए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना करें. वायलेट कहते हैं खिलाफ वर्जी करने को. नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें कि लाइन में लेन्स में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम लिखेंगे कि डू नॉट ओवरटेक, एक दूसरे से आगे नहीं जाना. बी एन यूअर क्यू, अपनी कतार में रहें, अपनी लेन में रहें. लास्ट पिक्चर है हमारे पास एक लेडी की जो कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन यूज कर रही हैं. डू नॉट यूज मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, कि ड्राइविंग करते वक्त हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, हम लेडी को कह रहे हैं कि डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, के ड्राइविंग करते वक्त आप मोबाइल यूज़ ना करें. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट रोल प्ले पुलिस ऑफिसर, ये हमारे पास एक एक्टिविटी है. आइए इसको स्टार्ट करते हैं. यू आर अ पुलिस ऑफिसर, अब ये हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि हम बच्चों से करवाएंगे. हम बच्चों से कहेंगे कि यू आर अ पुलिस ऑफिसर, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं. व्हाट साइंस डू वी नीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल, हमें कौन से इशारे कौन से साइंस चाहिए होंगे स्कूल के डिफरेंट हिस्सों में, स्कूल गेट, गेट पर, कैंटीन पर, प्लेग्राउंड एट्सेट्रा के. हमें स्कूल में कौन कौन से डिफरेंट साइंस चाहिए होंगे जो कि हम पेस्ट करेंगे स्कूल के डिफरेंट प्लेसेस पर, गेट पर, कैंटीन पर, प्लेग्राउंड वगैरह पर. मेक अ लिस्ट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, आपने साइंस इकट्ठे करके उसकी एक लिस्ट बनानी है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है. प्रिपेयर द साइंस, आपने साइंस को रेडी करना है. आप पेपर पर या पेजेस पर या चार्ट्स पर किसी पर भी वो साइंस रेडी कर सकते हैं. डिस्प्ले देम एट डिफरेंट प्लेसेस विद परमिशन, और आप उनको डिस्प्ले कर सकते हैं अपने स्कूल में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, विद परमिशन, इजाज़त के साथ. ठीक है, आपने अपनी टीचर से इजाज़त लेकर उसको डिस्प्ले करना है. ठीक है, डिस्प्ले कहते हैं जाहिर करने को. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आप कैंटीन के ऊपर कैंटीन का बड़ा सा बोर्ड लगा लें. ठीक है, अगर कैंटीन राइट साइड पर है गेट से, तो आप राइट का साइन लगा लें कैंटीन के पास.
वॉशरूम्स पर आप साइन बोर्ड लगा सकते हैं मेन एंट्रेंस पर, जो बच्चे क्लासरूम से वापस मेन गेट तक जा रहे होते हैं उनके लिए आप लिख सकते हैं जगह जगह पर कि मेन गेट जो है वो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है, कैंटीन लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास टंग ट्विस्टर्स की। टंग ट्विस्टर्स हमारे पास हर चैप्टर के एंड में आते हैं। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। जितना जल्दी हो सके इसको बोलना सीखें, जितना तेजी से आप बोल सकते हैं इसको बोलें एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, स्क्रीम कहते हैं चीखने को। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आई स्क्रीम। ठीक है, इसको आपने अब आहिस्ता आहिस्ता तेजी से बोलने की कोशिश करनी है ताकि ये आपकी जुबान पर इसकी आदत हो सके। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आज की वीडियो यहीं तक, हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।